अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू मुसाफिर ज़िया। उम्मीद करते हैं सब लोग खैरियत से होंगे। एक नए दिन के साथ आपको खुश आमदीद कहते हैं। अभी जो है वो थोड़ा सा काम के वाले से बाहर जा रहे हैं, एक दो साइड्स के ऊपर जाना था क्योंकि नेक्स्ट संडे को जो है वो शूट वगैरह आ रहा है, तो उसके लिए लोकेशन वगैरह ज़रा बुक करवानी थी। एसटी प्रोडक्शन के ऊपर विजिट है और सेट्स वगैरह चेकआउट हो रहे हैं सारे। माशाल्लाह से काफ़ी अच्छी वर्किंग की हुई है। अभी सेट पे विज़िट कर ली और अब नेक्स्ट प्लान देखते हैं क्या बनता है। अभी वापस निकलते हैं क्योंकि और काम है, तो वो जाके करने वाले हैं। जी अभी वापस आ चुके थे और आगे कुछ थोड़ा सा काम करने वाला था, वो किया बस अब चेंज किए करके अभी कोई एक सप्लीमेंट बनाना हो बना के तो पी लेते हैं क्योंकि प्री वर्कआउट वाला, तो उसके बाद जो है प्रोटीन शेक बनाएंगे तो फिर जिम के लिए चले जाएंगे। बिकॉज नाइट टाइम भी टाइम नहीं मिल रहा, मॉर्निंग को भी नहीं मिल रहा। मॉर्निंग टाइम टाइम है लेकिन जिम का स्केड्यूल कुछ इस तरह है कि वहाँ पर जाने का दिल नहीं करता। कोई भी नहीं तो बिल्कुल साइलेंट मोड गया। बस पानी मैंने ले लिया और इसमें ऐड कर लेते हैं। ये प्री वर्कआउट है हमारा, ये इंट्रा वर्कआउट है। जी अभी जिम से जो है वो वापसी हो चुकी है। काफ़ी टाइम बाद जिम में गए, काफ़ी टाइम बाद तो नहीं 20 डेज के बाद, और वो भी एक से दो दिन के लिए जाना हुआ था और फिर क्विट हो जाता है, कंटिन्यूसली नहीं कर पा रहे। बट यही अभी का स्केड्यूल ये इस वजह से सिर्फ किया था ताकि जिम कंटिन्यू रहे, वो डिस्कनेक्ट ना हो। बट अभी आई थिंक है ये स्केड्यूल हमारा बेस्ट है, ये जो इवनिंग वाला टाइम है। सीन ऐसा चल रहा है कि मैंने सिस्टम के अंदर कुछ क्रैक वर्जन किए हुए थे सॉफ्टवेयर से। मैं जल्दी करता नहीं हूँ लेकिन मजबूरी के तहत कर ली क्योंकि वो अवेल नहीं हो रहे थे। तो अब वो क्या सीन रहा है कि उसने पकड़ के बाकी भी जितने सॉफ्टवेयर थे उनकी भी ऐसी कैसी कर दी और सिस्टम बार बार रीबूट में जा रहा है, बार बार जा रहा है क्योंकि इसके ऊपर डे टाइम जो है वो
जो लड़का काम करता है वो काम कर रहा था इसके ऊपर, तो मैंने उस टाइम पे चेक नहीं किया, अभी मैंने आगे चेक किया, तो मैंने उसको भी टेक्स्ट किया तो कहता है सर उस टाइम पे भी ये इसी तरह ही चल रहा था, तो बार बार ये शट डाउन कर रहा था, तो मैंने आपको बताना भी चाहा लेकिन आप आए नहीं थे इस वजह से नहीं बताया। ये इसने फायर सारी इधर से इधर कंप्लीट हुई, ये वाली रोज थी, ये आई थिंक 4 to 5 इधर सॉफ्टवेयर से सारे सारे उसने डेड कर दिए। अब देखते हैं इसका क्या सोल्यूशन निकलता है। और हालांकि सेम टू सेम वही सॉफ्टवेयर जो है मेरे इधर लैपटॉप में चल रहे हैं, ठीक है। और ये देखें ये सारे सिर आज ही ये भी गए हैं, पहले ये सारे के सारे ये भी चल रहे थे और ये सारे के सारे आज ये भी फिनिश हो गए एट अ टाइम। आई थिंक कोई अपडेट आया होगा तो उसकी वजह से। लाइफ में ना काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं ना वो स्ट्रगलिंग वाली होती हैं, हर एक चीज़ टाइम पे प्रॉपर मैनेज करना। अभी एक मीटिंग भी होनी और उससे पहले पहले खाना भी बना के खाना, तो वो भी खाना बना लेते हैं पहले, फिर उसके बाद जो है मीटिंग की तरफ जाएंगे। कुछ चीज़ें जो है ना वो बहुत ज़्यादा आसान होती हैं देखने में, और जो मुझे कहते हैं ना कि बहुत ज़्यादा लाइफ हमारी मज़े की, अल्हम्दुलिल्लाह मज़े की है, मज़े की बनानी पड़ती है, ऐसी नहीं बन जाती। तो अभी खाना वगैरह बना ही रहा था तो साथ में जो है अलार्म चलने लग गए, तो क्योंकि मैंने स्केड्यूल किया हुआ है और अगर एक दिन भी मैं घर कॉल ना करूँ तो नोटिफिकेशन स्टार्ट हो जाते हैं। बट अभी मैंने वॉइस नोट कर दी है क्योंकि टाइम नहीं है मेरे पास कॉल करने का, तो इंशाल्लाह कल बात करेंगे। ना भी जो है ना वो ऑफिस में बैठ के खाया जा रहा है, इतना टाइम नहीं है, क्योंकि साथ में कुछ चैट्स वगैरह कुछ ईमेल्स आ रहे हैं वो चेक कर रहा हूँ, तो साथ में खाना वगैरह भी हो जाएगा। माशाल्लाह के साथ अभी भी बस वर्किंग से फ्री हैं और सिस्टम वगैरह क्लोज़ किए, बस अभी ऑफिस क्लोज करते हैं, फिर चलते हैं सोने के लिए, क्योंकि टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया, तकरीबन 12:30 होने वाले, सोते सोते भी 2 बजे। फिर इंशाल्लाह सुबह, क्योंकि मैं 7 बजे उठ रहा हूँ, मेरी रूटीन इस टाइम पे वो जो चल रही है बहुत ज़्यादा, यानी कि सुबह 7 बजे से लेकर 12:00-1 बजे तक कंटिन्यूसली रनिंग में होता हूँ, थक भी जाता हूँ लेकिन काम भी करना है। मीटिंग कुछ लॉन्ग वे पे चली गई, कुछ चीज़ें और ज़्यादा मैनेज करने वाली थी पहले, वो उनमें इन्वॉल्व थे, फिर उसके बाद है कुछ आपको पता है जब कोई न्यू चीज़ स्टार्ट करनी हो तो कुछ समझाना कुछ बताना काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। खैर इंशाल्लाह मिलते हैं कल एक नए दिन के साथ, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।